आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये पता नहीं कौन है। तो सचिन पायलट जो है वो बहुत बड़े लीडर है राजस्थान के, मेरे वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियन है सचिन पायलट। सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो है ही है, मतलब ही इज नॉट माई फेवरेट, बट सचिन पायलट इज वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियन बिकॉज बढ़िया बोलते हैं। पिछले इलेक्शन में जब राजस्थान जो हुए थे और जब इनकी सरकार आई तो उसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा हाथ था, हाथ पैर सब था। इन्होंने हर जगह जाकर इंटरव्यूज दिए और आज कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर बवाल हो रहा है। पिछली बार भी होता 2019 में भी, अभी भी हो रहा है। बधाई दो हमको, क्योंकि हमारे जो सवाल है, हिस्ट्री ऑप्शनल का भी पेपर आया, GS पेपर 4 का पेपर आया, पूरी क्लास पूरा का पूरा क्लास में डिस्कस्ड। तो क्यों नहीं ले रहे हो हमारे शानदार NCERT का कोर्स और UPSC का कोर्स? फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। चलो यहां पे जो पावर प्ले किया है अशोक गहलोत, अरे एक काम करो इसको छोड़ो, ठीक है? अब PPT वाइज छोड़ो, PPT मैंने सब बता दिया, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जो मैंने, मतलब जो कंटेंट मैंने इंडियन एक्सप्रेस लिया, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दे रहा हूं कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि देखो कांग्रेस में ये सवाल बहुत बड़ा था ना, अभी कांग्रेस, अभी जितने भी राज्यों में इलेक्शन हुए सब में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, 5 राज्यों में से 4 में हार गई, बुरी हालत कांग्रेस की। जहां पे है भी वो, वहां से भी MLA जो है वो टूट टूट के जा रहे हैं। MP में शिवराज आ गए, राजस्थान में भी खतरा मंडरा रहा था, ठीक है, पंजाब में गए, पंजाब जीता हुआ राज्य हार गए। राहुल गांधी के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, राहुल गांधी जो है वो इस समय भारत जोड़ो आंदोलन जो, मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी। अब वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सुन रहे हैं। लगभग आधे 6 महीने तक ये यात्रा चलेगी। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी भेजी, 5 पेज की चिट्ठी ने पूरे कांग्रेस और पूरे देश को हिला दिया कि मैं 50 साल से राजनीति में हूं, लेकिन राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इंदिरा गांधी अध्यक्ष रही, सोनिया गांधी, राजीव गांधी अध्यक्ष रहे, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, और राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पे थी। राहुल गांधी को मतलब बहुत सारी चीजें हैं इंप्रूव करने, हालांकि उन्होंने काफी इंप्रूव किया है एट अ टाइम, टाइम टू टाइम इंप्रूव किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर दिक्कत यह है कि बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे, जो ओल्ड गार्ड्स है ना वो सवाल उठाने लगे, जो G23 कांग्रेस के अंदर का ग्रुप है वो सवाल उठाने लगे कि भाई चल क्या रहा है, कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव जो है वो हार रही है और आप समझ नहीं रहे हो, राज्यों में चुनाव हार रही, केंद्र में तो कोई चांस ही नहीं है अभी, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना तो 2024 गया। तो अब बात ही हो रही थी कि सबसे पहले तो इंटरिम प्रेसिडेंट तो सोनिया गांधी है, लेकिन राहुल गांधी को मतलब अब कांग्रेस के अंदर फेरबदल की जरूरत है, नया अध्यक्ष चाहिए। तो कांग्रेस ने यह माना बिल्कुल नया अध्यक्ष चाहिए, तो अब नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तो अब यह 23 सितंबर को नामांकन जो है वो शुरू होता है, 24 सितंबर थी, इन्हीं दोनों में से कोई डेट थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नामांकन मतलब नॉमिनेशन, चलिए बताइए कौन खड़ा होना चाहेगा इस रेस में। कांग्रेस के पार्टी के अंदर का इलेक्शन है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा जो 2024 को लीड करेगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि शशि थरूर को कभी कांग्रेस उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो इसमें नाम एक तो शशि थरूर का है जो कि तिरुवनंतपुरम से आते हैं, वहां के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, जब सब हार गए थे BJP से तो शशि थरूर अकेले थे जिन्होंने BJP को हराया था वहां तिरुवनंतपुरम से, ठीक है, केरल से। फिर मनीष तिवारी है, दिग्विजय सिंह है, अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत का सबसे ऊपर नाम सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत जो है वही जीतेंगे, और ऐसा बोला जा रहा है कि पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले अशोक गहलोत को चुन लिया गया है। राजस्थान में 200 सीटें हैं और अभी कांग्रेस के पास 121 सीटें हैं, यानी कि मेजॉरिटी कांग्रेस के पास है। 2019 में भी प्रॉब्लम हुई थी, MP और मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव एक साथ हुए थे, दोनों में ही कांग्रेस की सरकार आई थी, ठीक है, MP में भी और यहां पे अरे राजस्थान में भी, ठीक है। लेकिन MP में आपको पता ही, शिवराज सिंह चौहान ने खेल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान ने यहां पे खेल कर दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो तोड़ के चले गए,
और कमलनाथ जो कि उस समय चीफ मिनिस्टर थे, खेल खत्म उनका। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे कि मुझे कांग्रेस में इतनी इज्जत नहीं मिली, वो बीजेपी में चले गए और अभी एविएशन मिनिस्टर है ना, बढ़िया। तो एमपी में भी शिवराज सिंह चौहान, अब उस समय 2019 में ही राजस्थान में भी बवाल हुआ था सचिन पायलट को लेके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सचिन पायलट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे थे कि मतलब चीफ मिनिस्टर भाई, इच्छा तो सचिन पायलट की थी, लेकिन उस समय जो कांग्रेस के एमएलए थे उन्होंने बोला कि हमको अशोक गहलोत ही चाहिए, हम सचिन पायलट के पास साथ नहीं जाएंगे। तो एक तरीके से झगड़ा हो गया था सचिन पायलट अशोक गहलोत, और अल्टीमेटली अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने। अब जैसा कि मैंने बताया कि अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत, सितंबर में नामांकन है, नॉमिनेशन है, कितने लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा कि आखिरकार कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में होगी, 19 अक्टूबर को डिसाइड होगा। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, मैं कांग्रेस के नॉमिनेशन में खड़ा होऊंगा, उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब अशोक गहलोत को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। राहुल गांधी ने पहले ये साफ कर दिया था कि दो पद इंसान नहीं संभाल सकता, या तो आप, क्योंकि आप अगर अध्यक्ष बन रहे हो कांग्रेस के, सब कुछ देखना पड़ेगा, टाइम टेकिंग टास्क है, उधर आप सीएम की भूमिका नहीं निभा सकते, तो सीएम कौन बनेगा, सचिन पायलट। अब यह बोला जा रहा है कि सचिन पायलट माइट बी पॉसिबल कि सीएम हो सकते हैं और अशोक गहलोत अध्यक्ष बन सकते हैं कांग्रेस के, और सचिन पायलट सीएम हो जाएंगे राजस्थान के। इसी पे पूरा बवाल चल रहा है राजस्थान में, अगेन तकरीबन 90 के करीब एमएलए, पहले 82 90 शायद 100 हो गए हैं, लेकिन आधे एमएलए ये बोल रहे हैं, आधे से ज्यादा, कि हम सचिन पायलट को नहीं बनाएंगे सीएम, हमको नहीं चाहिए सचिन पायलट एज अ सीएम। ठीक है, तो ये बवाल पूरा का पूरा चल रहा है अभी। तो कांग्रेस की राजनीति ने, राजनीति में उथल पुथल है कि आखिरकार बनेगा कौन कांग्रेस का लीडर, वो कौन है जो कांग्रेस को आगे लेके जाएगा। ऐसा भी बोला जा रहा है कि अशोक गहलोत का जीतना तय है, अशोक गहलोत ही जीतेंगे, और उस समय क्या सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा। यंग नेता है भाई, यंग लीडर है सचिन पायलट, और बहुत बढ़िया इनका काम रहा है, मतलब जब इंटरव्यूज देते हैं बहुत ही लॉजिकल बात और बहुत ही बढ़िया बात करते हैं। आप देखिए इंटरव्यूज उस समय तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, बहुत सारी इन्होंने बातें बताई। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, देखेंगे बाकी आगे क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली में पॉलिटिक्स में, राजनीति में इतना उथल पुथल क्यों है। ठीक है, तो लेक्चर पसंद आया तो हमारे यूपीएससी का कोर्स फटाक से अवेल करो। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।